subscribe and press the bell icon for latest update. अक्सर लोग भ्रामक विज्ञापन देखकर धोखाधड़ी की शिकार हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े नेता भी इन विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने साथ हुई ऐसी ही एक घटना का जिक्र किया है। शुक्रवार को राज्यसभा में संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति नायडू ने बताया कि कैसे वह वजन घटाने के एक विज्ञापन से धोखाधड़ी का शिकार हो गए। नायडू ने बताया, उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैंने वजन घटाने की सोची थी। मैंने एक ऐसी कंपनी का विज्ञापन देखा जिसमें एक दवा के जरिए बहुत कम वक्त में वजन घटने का दावा किया गया था। उपराष्ट्रपति ने बताया, वजन घटाने वाली कंपनी ने दावा किया कि 1000 रुपये मांगे थे, जिसे मैंने दे दिया। नायडू को बताया कि पेमेंट करने के बाद कंपनी ने दवा की डिलीवरी नहीं की, इसके बदले कंपनी ने एक ईमेल किया जिसमें 1000 रुपये और पेमेंट करने को कहा गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति को धोखाधड़ी का शक हुआ और उन्होंने उपभोक्ता विभाग की शिकायत की। जांच के दौरान पता चला कि वह कंपनी अमेरिका की थी। आपको बता दें कि नायडू ने कहा कि उन्हें इस विज्ञापन से झूठ का पता चल गया कि हर विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।